एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और मैं भी ठीक ही हूँ, अब अपना काम कर रही हूँ। और आप लोगों ने कल मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हाँ, एक बात और बताऊँगी कि जैसा कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा, एक ने नहीं काफ़ी ने कहा कि दी ऑपरेशन नहीं कराना, तो डियर अभी तो कुछ भी नहीं कराने वाली हूँ। ये तो डॉक्टर ने भविष्य के लिए कहा है कि करवाना पड़ेगा, बट कोशिश यही करूँगी कि कभी ज़िंदगी में करवाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तो ना जो पैर सही होता है ना वो भी ख़राब हो जाता है। और सबसे ज़्यादा मुझे पता है कि इसमें क्या आराम देगा, मालिश। मालिश यानी हल्के हाथों की मालिश और जो गर्म सिकाई करते हैं ना वो, उससे ही मुझे इतने सालों से राहत थी और आगे भी मुझे उससे ही राहत रहेगी। हाँ, थोड़ा सा काम का बर्डन है ना वो कम करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि दी नी कैप आपने कहाँ से मंगाई, तो डियर वो मेडिकल पे मिल जाती है, आप मेडिकल पे से आराम से ले सकते हो। तो ना, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है, 150-200 की आती है शायद, क्योंकि मैंने खरीदी नहीं थी, जय ने उनका पेमेंट किया था ना, तो मुझे ध्यान नहीं है, पर आप एक बार मेडिकल पे पूछ लेना। तो और अभी और किसी की क्वेरी अगर दिमाग में आ जाएगी तो वो भी मैं आंसर कर दूंगी। सो, अभी है ना, मैं अपना धीरे धीरे करके काम कर रही थी और मैंने साथ ही साथ सारा काम स्टार्ट किया, क्योंकि आजकल काम है ना बहुत रुक रुक के, और सारे दिन मैं अब काम नहीं करती हूँ। अगर बर्तन हो जाते हैं ना तो फिर इकट्ठे बर्तन शाम को धो देती हूँ मैं, बार बार किचन में नहीं आती हूँ अब काम करने के लिए। तो अभी है ना, मोलू को भूख लग रही थी, वो मुझसे खाना मांग रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, दोनों गैस पे दाल चावल चढ़ा दिए धो के, और ये आटा है ना मैं थोड़ा बहुत फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि बच्चा है वो कभी भी खाना मांगने लगता है। तो उसकी वजह से क्या है कि मुझे ना जब भी वो खाना मांगता है ना, तो मैं फटाफट से आटा निकालती हूँ, उसको रोटियाँ सेक के दे देती हूँ, ताकि कम से कम है ना वो जब भी खाना मांगे तो उसको मैं जल्दी से खाना दे सकूँ। और आटा वगैरह लगाओ और खाना बनाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और तब तक तो ना मोलू मेरा सर खा जाता है। तो इसी वजह से ना मैं थोड़ा सा आटा हमेशा फ्रिज में रख देती हूँ, यानी सुबह के टाइम रखती हूँ, रात को तो नहीं रखती हूँ, पर सुबह का आटा थोड़ा बहुत बचा कर मैं रख देती हूँ। तो मैंने अभी उसको खाना दिया, पता है उसने प्लेट वापस कर दी, बोलता है सब्जी गर्म नहीं है, ठंडी है। एक्चुअली मैंने ना सब्जी गर्म की नहीं थी, उसको सुबह की आलू की सब्जी से ही खाना दिया, तो उसने रिटर्न कर दी प्लेट, बोलता है मुझे सब्जी गर्म करके दो। इतना सा है और नखरे देखो ना खाने के पीछे, तो इतने ज़्यादा है, सब्जी गर्म चाहिए, रोटी गर्म चाहिए तो ही खाता है, ठंडी रोटी अगर हो या सब्जी ठंडी हो ना तो नहीं खाता, बोलता है मैं वेट कर लूँगा, मुझे खाना गर्म करके दो। तो इसे अभी है ना, फिर मैंने छोटी सी कढ़ाई ली और उस सब्जी को मैंने अभी गर्म किया, और अब वापस से मैंने उसको खाना दिया है, तो अब बैठ के वो खाएगा। और दाल चावल मैंने बनाए हैं आरू और जय के लिए, और मोलू भी थोड़े बहुत खा लेगा। अपने लिए तो मैंने रोटी बना के रखी है, क्योंकि मैं ना अब चावल खाना अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को छोड़ पाऊँगी तो ही छोड़ पाऊँगी। और चावल है ना, वैसे भी घुटने की अगर किसी को बीमारी है ना तो चावल बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो मैंने बस उन दोनों के लिए बनाया है। और वहाँ पे दाल चावल बन रहे हैं, तब तक ये सारे बर्तन वगैरह इनको मैं अरेंज करूँगी, और जो ग्लास का स्टैंड है ना, क्या बोलेंगे, ग्लास की अलमारी, हाँ इसको भी अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आंधी का मौसम है ना, तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी सी छा जाती है हर एक चीज़ पे। हालांकि मेरे घर में कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी इतनी धूल मिट्टी आती है। तो अभी है ना, यहाँ पर अभी मैं दाल रख रही हूँ बनने के लिए, तो दाल है ना जब उसका जो झाग होता है ना वो मैंने निकाल दिया, अब मैंने डाले हैं मसाले, और उसके बाद अब ढक्कन को कर दूंगी बंद, और अब इसमें सीटी आने दूंगी। अब मैं कोशिश करती हूँ कि दाल चावल का जो झाग होता है ना पहले निकाल लूँ, उसके बाद ही बनाती हूँ। और इसी के साथ साथ जो बर्तन वगैरह हो गए हैं इनको भी मैं धो के रख दूंगी, तब तक मेरे जो दाल चावल है ना वो भी बन जाएंगे, तो साथ ही साथ सारा काम निपट जाएगा, क्योंकि फिर पानी वाले बाबा जो है ना वो 8-8:30 बजे तक चले जाते हैं घर, और अगर मेरा काम 8-8:30 बजे तक पूरा नहीं हो पाता ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, कि किचन का भी काम देखना होता है, और फिर काम छोड़ छोड़ के मुझे बाहर पानी देने जाना पड़ता है, और अब मेरे पैर की वो कंडीशन नहीं है कि मैं ज़्यादा भाग दौड़ कर सकूँ। तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया, दाल में तड़का भी लगा दिया, दाल भी मेरी बन के रेडी हो गई, और जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए। मेरा एक और पार्सल आ गया, ये रखा, अभी खोल के देखेंगे इसमें क्या है। एक और पार्सल, मेरे 3 पार्सल आ गए, अभी एक और बाकी है। यस, मेरा पार्सल एक और आ रहा है।
जब भी कोई पार्सल आता है तो कितनी खुशी होती है। और मैं बताऊं, मैं आप लोगों को प्रॉपर एक वीडियो बना के नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं ना कोई भी मीशो का जो प्रोडक्ट होता है ना, उसको 7 दिन से पहले ही खोल के चेक कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि आप पता कैसा प्रोडक्ट आएगा। सो ओपन करते हैं, उसके बाद प्रॉपर वीडियो बताऊंगी जो जो चीजें मैंने मंगाई है ना, क्या आई है, कैसे आई है, वो सब डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। खुल जा भाई, मुझे तो मजा आता है पार्लर में। वाह, ये क्या है? अच्छा ब्लाउज है वो वाला। मैंने ब्लाउज मंगवाया था, ये अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल, ऐसा कॉटन सा है। अब इसको पहनेंगे, उसके बाद इसका प्रॉपर रिव्यू देंगे, मम्मी कैसा है, क्या है डिजाइन। डिजाइन तुमने बैक साइड दे दिया, बैक साइड की मंगाई थी, लेकिन मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है, साइज इसकी काफी बड़ी लग रही है। मैंने आगे हुक वाला मंगवाया है, देखते हैं कैसा है। ये ब्लाउज मैंने पहन के देखा, पीछे से तो बहुत अच्छा है, लेकिन आगे से गला इसका बहुत ज्यादा छोटा है। चलो वो भी चल जाएगा, बट फिटिंग इसकी सही नहीं है और ये यहाँ से बहुत ही ऊंचा है। सो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ। तो मेरी तरफ से ये कैंसल हो गया। तो वैसे तो ये ठीक ठाक है, लेकिन पता है इसकी फिटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी। और मैं अभी अभी अपना फेस वॉश करके आई हूँ, इसके लिए जुड़ा कर रखा था मैंने। तो आगे से जो इसकी डार्ट्स की फिटिंग है ना, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। और पहनेंगे ना तो ऐसे लगेंगे जैसे कि पता नहीं किसी को नहीं आता सिलना, उसने सिल के दिया है। तो इससे तो अच्छा है कि इस तरह की है ना कपड़ा लेकर मैं सिलवा लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मुझे लगता है कि मुझे इसको रिटर्न में डाल देना चाहिए, क्योंकि इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है और ये ऊंचाई बहुत है। इसकी ऊंचाई है ना मुश्किल से यहाँ देखो इतनी आ रही है, और कम से कम इतना और लंबा होना चाहिए, यानी ये 12 है और मुझे कम से कम 15 चाहिए, तब जाकर मेरी हाइट में ये प्रॉपर बैठेगा। तो इतना अच्छा ब्लाउज मुझे रिटर्न करना पड़ा। कपड़ा ठीक है, कॉटन है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन बस सिलने वाले ने ना अच्छे से सिलाई नहीं की है। चलिए इसको रख देते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट का इंतजार करते हैं, क्योंकि अभी एक प्रोडक्ट और आने वाला है। ठीक है, तो अब ये दूसरे दिन की वीडियो है। हमारे घर में आई है आइसक्रीम, क्योंकि गर्मी पड़ रही थी तो मैंने कहा कि आइसक्रीम लेकर आओ, मेरा मन कर रहा था खाने का। और इसी के साथ साथ आप देखना कि हमारा जो मिट्टू है ना, वो आइसक्रीम खाने के लिए कितनी जिद करेगा। और उसकी अभी दवाई चल रही है ना, तो मैं उसको आइसक्रीम देना नहीं चाह रही थी, क्योंकि उसके पंख झड़ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग अभी दवाई दे रहे हैं। लेकिन वो इस तरह से जिद करता है ना कि मन मानता नहीं है, और यूँ लगता है कि चलो छोड़ो जाने दो। तो यहाँ पर अभी हम 5 जन के लिए आइसक्रीम निकाल रहे हैं। ये बाबा के लिए निकाली है, क्योंकि बाबा है ना वो कम खाते हैं, और फिर भी खाते तो हैं ही। ये क्या हो रहा है? अपनी ले ली है और यहाँ देखो, इसे नहीं मिलेगी, मत देना आरु उसको। मैं नहीं दे रही, गौतम से नहीं देने का है। देखो आरु से दवाई चल रही है, अरे वो वाली वो खाता भी नहीं है, खाएगा फिर वाली, लेकिन उसको झुटलाओ मत। काम करके फ्री हुए, गर्मी लग रही थी बहुत तेज, मेरा मन कर रहा था ऐसो देखो कुछ ठंडा खाने के लिए, मैंने फैमिली पैक मंगवाया, उसको चैन नहीं है। और हां अरे जल्दी जल्दी देखो, देखो कितनी कितनी लंबी गर्दन की उसने, देखो देखो देखो, अरे मत खिलाओ उसको, नुकसान करेगी। अब वो ऐसे कर, दवाई कितनी होती है, एक बूंद होती है उसकी, हटा दे तो हट तो है। देखो देखो दिखा रहा है, फिर ऐसे वो हैंडी लगी भाग गया।
दूसरा पे वीडियो बना ले लो। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, मेरे मिट्टू के लिए लाइक जरूर करना, और कितना ज्यादा प्यार करता है वो हमसे।